दोस्तों 6x4 का दीवान बेड बनाने के लिए आपको किस किस मटेरियल की जो हो ज़रूरत पड़ेगी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा एक 8x4 का पूरा बोर्ड था, 19mm बोर्ड हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8x4 का बोर्ड है और इस 8x4 के बोर्ड में से हमारा 6 फुट लंबाई में और 16 इंच चौड़ाई में हमारा एक 2 पीस निकले हैं ये हमारे 8x4 के बोर्ड में से, और 2 पीस निकले हैं हमारे ये 4 फुटे जो है वो लंबाई में हैं और 16 इंच इनकी चौड़ाई है, तो 2 पीस ये निकले हैं और 2 पीस निकले हैं हमारे बड़े 6 फुट वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी पूरा मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से कहाँ पर मार्किंग करनी है, कहाँ पर किस तरीके से पूरी जो बेड है वो कैसे बनाया जाएगा। तो ये जो हमारा 6 फुट लंबाई में जो हमारा बोर्ड है, तो इसमें हमने जो नीचे की तरफ जो फ्रेम डालने हैं तो उनके जो मार्किंग है वो की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें 6 फुट लंबाई में नीचे की साइड 4 फुट की तरफ को फ्रेमिंग डालनी है तो उनके निशान जो है वो लगा दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये जो आप जगह छूट रही देख रहे हैं इसमें हमारा 4 इंची जो पाया आएगा, यानी जो लेग्स हैं बेड की वो लेग्स आनी है। तो मार्किंग मैंने पूरी टोटल जो है आपको दिखा दी है। अभी आप देख सकते हैं ये जो दोनों पीस हैं हमारे साइड वाले, तो इनमें हमारी ये ऊपर वाली मार्किंग है, यानी इसके 2 इंच हमारी जो जगह है वो ऊपर की तरफ छूटनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 इंच जगह आप देख रहे हैं मार्किंग की गई है, ये हमारी ऊपर की तरफ छूटनी है जहाँ पर हमारा मैट्रेस आएगा। और ऐसी ही सेम मार्किंग दोस्तों आप यहाँ पर जो हमारे छोटे वाले हैं यानी 4 फुट वाले हैं उनकी जो मार्किंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 इंच पर दोनों में जो की गई है, यानी ये लंबाई, ये जो नीचे वाले यानी जो बड़े वाले 6 फुट वाले हैं वो लंबाई वाली एरिया के हैं और जो ये हमारे चौड़ाई वाली एरिया में आ जाएंगे जो 4-4 फुटे हैं। ये देखिए दोस्तों जो हम लेग्स यूज़ कर रहे हैं चारों तरफ जो चारों पाए हैं हमारे वो हमारी बकैन की लकड़ी के जो यूज़ हो रहे हैं। दोस्तों हमारे बहुत सारे कारपेंटर भाई हमें इस चीज़ के लिए कमेंट करते हैं कि जो भी हम वुडन वर्क करते हैं यानी जो किचन कपबोर्ड वगैरह बनाते हैं या टेबल वगैरह बनाने में जो भी हम माइका की पेस्टिंग के लिए एडहेसिव यूज़ करते हैं वो क्या है। दोस्तों तो हम जो दोस्तों एडहेसिव यूज़ करते हैं वो करते हैं दोस्तों एशियन पेंट की ओर से आने वाले ट्रू ग्रिप डायनामो का हम जो है वो यूज़ करते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त एडहेसिव है, इस एडहेसिव को हम क्यों यूज़ करते हैं पूरा आगे आपको जो है दोस्तों वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसकी पैकेजिंग आती है दोस्तों वो 1 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम तक इसकी पैकेजिंग जो आती है, अपने यूसेज के हिसाब से आप जो है ले सकते हैं। मेरे पास जो अभी अवेलेबल है दोस्तों वो 5 किलो की पैकेजिंग है, 10 किलो की है और 20 किलो की पैकेजिंग मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं जल्दी से इसको अनबॉक्स करके आपको दोस्तों दिखा देता हूं। सबसे पहले जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो खास बात है दोस्तों वो इसका कंटेनर का मुंह है जो काफी चौड़ा आपको दोस्तों देखने के लिए मिलता है। जैसे कि दूसरे एडिसिव में दोस्तों आपको छोटा कंटेनर का मुंह जो है दोस्तों बहुत छोटा मिलता है, जिसकी वजह से जब आप एडिसिव निकालते हैं दोस्तों तो काफ़ी टाइम उसमें जो है वो लगा रह जाता है, यानी बहुत सारा जो है वो आपका वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको दोस्तों जो पैकेजिंग है वो बहुत ही कमाल जो है वो दी गई है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपका जो एडिसिव है कुछ इस तरीके से पॉली में आता है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको एक लॉकिंग सिस्टम भी जो है दोस्तों दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर बॉक्स में दोस्तों आपको एक 100 रुपए का कूपन आपको दोस्तों 5 किलो वाली पैकेजिंग में दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरीके से जो मेरी पास बड़ी पैकेजिंग है दोस्तों, अगर जैसे कि ये 20 किलो वाली पैकेजिंग है या आप अपने बड़े यूसेज के हिसाब से, जैसे कि आप अगर किसी मॉल वगैरह में या कहीं बड़ी ऑफिस वगैरह में बड़े जगह पर आप काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका एडहेसिव का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर आप बड़ी पैकेजिंग भी जो दोस्तों ले सकते हैं। जैसे कि 20 किलो वाली पैकेजिंग है तो इसमें आपको 400 रुपए का कूपन मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों अगर कूपन की बात करें तो 5 किलो वाली पैकेजिंग में आपको दोस्तों मिल रहा है 100 रुपए का कूपन, 1 किलो वाली अगर पैकेजिंग आप दोस्तों लेंगे तो उसमें आपको 20 रुपए का कूपन जो है दोस्तों मिलेगा, यानी पर केजी पर आपको 20 रुपए का टोकन जो है दोस्तों मिलने वाला है। और 10 किलो की पैकेजिंग में आपको 200 रुपए का कूपन जो है दोस्तों मिलेगा। इसी तरीके से 20 किलो वाली जो पैकेजिंग है उसमें आपको दोस्तों मिल रहा है 400 रुपए का टोकन। ठीक है दोस्तों, ये तो टोकन की बात हो गई। दोस्तों हम इस एडहेसिव को क्यों इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये कि ये D3 से सर्टिफाइड है, यानी ये आपको इसमें वाटर प्रूफिंग की क्षमता आपको देखने के लिए मिलती है। और दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों ये बबल फ्री है, यानी आपने देखा होगा जब आप अदर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आप कोई माइका वगैरह पेस्ट करते हैं तो उसमें बीच में एयर्स वगैरह यानी बबल्स वगैरह आ जाते हैं जिससे आपकी माइका की फिनिशिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों डायनामो कहता है कि इसकी बेहतर फिनिशिंग के लिए आपको क्या करना है, जब आप इस एडहेसिव को दोस्तों इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या करना है, जो आपकी माइका है माइका की
के ऊपर भी आप इसको पेस्ट करेंगे, और दूसरी चीज़ जो आपकी प्लाई है प्लाई पर भी पेस्ट करेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो कम से कम उसकी थिकनेस होनी चाहिए, माइका की थिकनेस 0.8 mm की होनी चाहिए, और जो दोस्तों आपकी प्लाई है कम से कम 12 mm की प्लाई हो तो, या उससे ऊपर की हो जिस पर आप पेस्ट करेंगे, तो आपके बबल्स वगैरह पड़ने के भी जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, यानी बबल्स वगैरह आने की कोई प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज़ जो दोस्तों मुझे लगी है, वो डायनामो क्लेम करता है कि जो इसका दोस्तों पीरियड टाइम है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप अदर एडहेसिव यूज़ करते हैं तो उनमें क्या होता है कि कम से कम 6-7 घंटे 7-8 घंटे जो है वो रखना पड़ता है, तब जाके आपकी माइका वगैरह जो है वो पेस्ट हो पाती है, और तब जाके आप आगे जो है यूजेबल जो उसे होते हैं। लेकिन दोस्तों डायनामो क्लेम करता है कि 45 मिनट में ही आपकी जो माइका वगैरह है वो सेट हो जाती है, यानी इसका जो पीरियड टाइम है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो वो दोस्तों तीसरी चीज़ ये कि हीट रेजिस्टेंस है, यानी कई बार आपने देखा होगा किचन वगैरह में हीट के कारण जो आपके किचन में बोर्ड की माइका वगैरह जो है वो उखड़ जाती है, तो वैसी प्रॉब्लम आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलती है दोस्तों। ये बिल्कुल हीट रेजिस्टेंस है, हीट फ्री है, तो दोस्तों इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हीट से नहीं आती है। दोस्तों डायनामो के बारे में मैंने पूरी डिटेल जो है दोस्तों आपको बता दी है, जितना मुझे जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब मुझे दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि जो भी कारपेंटर हमारे भाई हैं तो जिन्होंने पहले इसको जो है डायनामो को यूज़ किया है, इसके रिजल्ट वगैरह देखे हैं तो वो कैसे हैं, वो आप कमेंट करके जो दोस्तों ज़रूर से बता सकते हैं। मुझे इसके रिजल्ट जो दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए हम इसको जो है वो अपने पास यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों एक और एडहेसिव है जिसको हम दोस्तों काम में लेते हैं पीवीसी टेप्स एज बेंडिंग के लिए, या एक्रिलिक शीट वगैरह लगाने के लिए, जैसे किचन कपबोर्ड वगैरह बनाते हैं तो उसमें एक्रिलिक शीट का इस्तेमाल अगर करते हैं तो हम तब इस पीवीसी दोस्तों एशियन पेंट की ओर से आने वाले ट्रू ग्रिप सुप्रीमा पीवीसी को जो हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो इसके जो दोस्तों यूजेज हैं वो कई तरीके से हैं, जैसे कि आप इसको पीवीसी शीट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए बोर्ड वगैरह पे पीवीसी शीट लगा रहे हैं तो उसके उसमें आप पेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं, पेस्टिंग करके जो है वो पीवीसी शीट लगा सकते हैं। दूसरा आप दोस्तों जो आपकी एक्रिलिक शीट है किचन का बोर्ड में लगाने के लिए उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ दोस्तों आपकी जो पीवीसी की एज बेंडिंग के लिए जो टेप्स लगाई जाती हैं उसमें आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हाई इनिशियल ग्रैब आपको देखने के लिए मिलती है, दूसरा वायर रेजिस्टेंट है, तो दोस्तों कई सारी चीज़ें इन प्रोडक्ट में आपको दोस्तों देखने के लिए मिलती हैं। मुझे ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों काफ़ी पसंद आते हैं, जिसकी वजह से मैं इनको अपने पास पर्सनली जो है वो यूज़ करता हूँ, और जो भी हम प्रोडक्ट दोस्तों बनाते हैं वो सभी में यूज़ करते हैं। और अभी भी आप जो अभी बेड जो हम बना रहे हैं तो इसमें किस तरीके से हम पूरा दोनों प्रोडक्ट्स को जो है यूज़ करेंगे तो वो सब कुछ आप आगे देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी कटिंग जितनी हमने करनी थी वो उसके बाद में आप फिटिंग जो है वो कर रहे हैं। तो अपना जो हमारा डायनामो है दोस्तों, डायनामो एडहेसिव जो है ऊपर की तरफ लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना हमारी लेग्स हैं और 2 इंच ऊपर की तरफ जगह छोड़ करके हमने सपोर्ट जो है लगाई हुई थी कीलो से, और उसके बाद में यहाँ पर जो फिटिंग है वो किस तरीके से की जा रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं बिल्कुल क्लोजली पूरा वर्क को आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, पूरी काम पूरा आज ही इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा किस तरीके से पूरा बेड जो है बनाया जाता है। दोस्तों आपको कभी कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस एक ही वीडियो से आपको जो है वो पता चल पाएगा किस तरीके से पूरा बेड जो है बनाया जाता है, क्योंकि मैं पूरा एक एक वर्क आपको दोस्तों बिल्कुल दिखाऊंगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ के हमने जो लेग्स हैं वो अभी यहाँ पर फिटिंग कर दी है। अब इसी तरीके से जो हमारा दूसरा सिराना है यानी दोस्तों पीछे वाला एरिया, तो वैसा वो भी जो है दोस्तों फिटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों दोनों हमारी दोनों तरफ की जो आगे और पीछे की दोनों साइडें जो हो तैयार हो चुकी हैं। अब साइड वाले जो हमारे फट्टे हैं तो वो हमें जो लगाने हैं। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way.
caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where. अब देखिए दोस्तों, ये जो हम सपोर्ट लगा रहे हैं, नीचे की साइड में जो सपोर्ट आप लगाते हुए देख रहे हैं, ये सपोर्ट है दोस्तों जो हमारी नीचे 12 mm प्लाई आनी है, यानी बॉक्स बनाने के लिए, तो उसको रोकने के लिए ये सपोर्ट जो है लगाई जा रही हैं। और नीचे की साइड में आप देखेंगे बीच में भी जो सपोर्ट्स हैं वो लगाए जाएंगे, यानी फ्रेम जो है वो लगाए जाएंगे। और ये जो हमारे फ्रेम है दोस्तों, ये 2-2 इंच चौड़े हैं, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है, जो हमने बीच में भी मार्किंग की हुई थी वो 2 इंच पर की हुई थी। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा वर्क जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल एक एक काम को मैं बिल्कुल क्लोजली आपको दिखा रहा हूँ। बीच में भी इसी तरीके से फ्रेम जो है वो डाले जाएंगे, 2 फ्रेम आगे और पीछे की तरफ, और 4 फ्रेम हमारे बीच में जो है वो आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-2 इंच चौड़ाई के फ्रेम हमने नीचे डाल रहे हैं। काफ़ी मजबूती के साथ में पूरा जो बेड है दोस्तों बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। मैं पूरा बिल्कुल क्लोजली आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, हमने चारों तरफ की फिटिंग जो है वो कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ के जो बोर्ड हैं, 16-16 इंच इसकी गहराई जो है वो दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से चारों बोर्ड जो है वो लग चुके हैं। अब जो दोस्तों हमारी बीच में प्लाई आनी है, तो नीचे की तरफ जो प्लाई आनी है उसकी कटिंग जो है वो कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से मार्किंग की जा रही है, किस तरीके से कटिंग की जाएगी, सब कुछ आप जो है वो देख सकते हैं, और कैसे इसको सपोर्ट दी जा रही है, तो सब कुछ बिल्कुल क्लोजली आप जो है वो देखिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा नीचे की सपोर्ट थी वो सब कुछ लग चुकी है। अब ऊपर हमें जो बीच में पार्टीशन करना है, ये 6 इंच की हम जो इसमें फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बिल्कुल पूरा क्लोजली आप देखिए, इस फ्रेम को हमने लगाना है दोस्तों बीच में, ताकि जो पार्टीशन हमने करना है उसको एक सपोर्ट जो है मिल सके। तो 2 इंच नीचे करके भी इसको इस तरीके से कुछ जो है आपको लगाना है। ये आप देख सकते हैं कुछ जो फ्रेम है 6 इंच की हमारी, इस तरीके से सपोर्ट आपको देनी है। और यहाँ पर हमारा जो पार्टीशन है, यानी जो बॉक्स का पार्टीशन है ऊपर 10 इंच की प्लाई में, वो यहाँ पर किया जाना है। और उसी के साथ में दोस्तों जो हमारी यानी ऊपर की तरफ 10 mm प्लाई के जो 2 बॉक्स के लिए पार्ट बनेंगे, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर आप देखिए ऊपर की तरफ जो है कुछ इस तरीके से सपोर्ट जो है लगा देंगे। सेम जो आपने चारों तरफ दोस्तों लेग्स लगाई थी, सेम उनके लेवल में ही हमें सपोर्ट जो है वो लगानी है। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो है सपोर्टें लगाई जाएंगी और पार्टीशन के बीच में भी।
पूरा आप ध्यान से जो है देखते रहिए। अब सपोर्ट लगाने के बाद में ऊपर की जो हमारी प्लाई आनी है ये 10 mm प्लाई है और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले बराबर हमें जितना हमारा बेड है 6x4 का तो उतने साइज़ में इसको जो है कटिंग कर लेनी है और उसके बाद में दो पार्ट हम इसके जो डिवाइड करेंगे और किस तरीके से कब्जे वगैरह जो है लगाए जाएंगे सब कुछ आप बिल्कुल क्लोजली पूरा वीडियो में देखते रहिए। टाइम लैप्स करके वीडियो पूरी आपको जो है दिखा रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम जो माइका यूज़ कर रहे हैं वो येलो कलर की हाई ग्लॉस में माइका जो हम यूज़ कर रहे हैं और येलो कलर की ये माइका किस तरीके से लगाई जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले हम 16 इंच वाली साइज जो हमारी 6 फुट वाली साइज़ है उसमें लगाएंगे और जो चिपकाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों वो एशियन पेंट की ओर से आने वाला ट्रू ग्रिप डायनामो जो है यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी इसकी पकड़ जो होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको माइके की कटिंग जो है कर लेनी है। पहले सभी पार्ट्स को कटिंग जो है कर लेनी है और उसके बाद में हमें जो हमारा एडेसिव है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायनामो, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है डायनामो के बारे में पूरा डिटेल में भी मैंने आपको दोस्तों बता दिया है। इसे हम क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, इसकी पकड़ जो है वो काफ़ी अच्छी है और जैसे कि आपने दोस्तों देखा होगा कि और अदर जितने भी एडेसिव हैं दोस्तों उनको लगभग से 7-8 घंटे जो है आपको रखना पड़ता है तब जाके जो उसकी प्रॉपर सेटिंग जो हो पाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका जो दोस्तों सेटिंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, 45 मिनट में ही ये माइका जो है वो आपकी अच्छी तरीके से चिपक जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और दोस्तों डायनामो बोलता है कि इसमें आप इसकी बेहतर क्वालिटी के लिए बेहतर फिनिशिंग के लिए दोनों तरफ आपको जो है वो डायनामो यानी एडेसिव जो है वो यूज़ करना है। दोनों तरफ आप एडेसिव जो है वो यूज़ करेंगे तो आपका बबल फ्री होगा और अच्छे तरीके से आपकी माइका जो है वो चिपक पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी माइका जो है वो पेस्ट की जा रही है। दोस्तों अगर बात करें इसके खर्च के बारे में तो अगर आप इस तरीके का बेड जो है अगर बनवाना चाहते हैं तो आपका जो टोटल खर्च आने वाला है 6x4 का एक पूरा बेड बनाने में दोस्तों जो हमारा पूरा खर्च आ रहा है वो विद लेबर मैं आपको बता रहा हूँ 9 से 10 हज़ार रुपये का पूरा खर्च जो है आपको दोस्तों आएगा, जिसमें आपका बेस्ट क्वालिटी मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइका वगैरह हम जो है वो हाई ग्लॉस में यूज़ कर रहे हैं और बोर्ड भी 19 mm लगाया है, नीचे की तरफ 12 mm प्लाई लगाई है और ऊपर हमने जो बॉक्स के पार्टीशन के लिए 10 mm प्लाई दी है और नीचे जो सपोर्ट दी है दोस्तों 2-2 इंच की हमने शीशम की लकड़ी में जो है सपोर्ट दी है, तो काफ़ी मजबूती के साथ में पूरा बेड जो है दोस्तों बनाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर पूरा वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। खर्च के बारे में मैंने आपको दोस्तों बता दिया है 9 से 10 हज़ार रुपये का आपका जो इस तरीके का बेड बनवाने का खर्च आ जाएगा और जो कि काफ़ी मजबूती के साथ में पूरा बेड जो है आपको बनाया जाएगा।
देखिए दोस्तों, हमारा पूरा जो बेड है वो बनकर तक तैयार हो चुका है। अब हमें ऊपर की तरफ जो आप टक्कर देख रहे हैं ये वाली, तो ये एज बैंडिंग हमें लगाने के लिए जो पीवीसी टेप हम लगा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए सेम वैसे ही जैसी कलर की हमारी माइका है, सेम वैसे ही कलर की हम टेप पीवीसी टेप जो है लगा रहे हैं। इसको लगाने के लिए दोस्तों जो हम काम में लेंगे वो लेंगे एशियन पेंट की ओर से आने वाला ट्रू ग्रिप सुप्रीमा पीवीसी। और दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है इस एज बैंडिंग के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एज बैंडिंग लगा रहे हैं, पीवीसी टेप जो है लगा रहे हैं या एक्रेलिक शीट वगैरह लगा रहे हैं, तो आप सुप्रीमा पीवीसी को जो है यूज़ करें, क्योंकि इसकी जो ग्रिप होती है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होती है और कभी भी आपको कोई शिकायत इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो बेड है वो बनकर के तैयार हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इस तरीके का बेड वगैरह बनवाना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा।